फ्रेंड्स, आज की स्पेशल वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो ऐसी कमाल की एप्लीकेशन के बारे में। यदि आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको इससे सिमिलर जितने भी सॉफ्टवेयर मिलेंगे वो काफी ज्यादा पेड मिलेंगे और आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। बट ये जो दोनों सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल फ्री है और आपके सिस्टम में ये होने चाहिए। इसकी हेल्प से आप काफी पेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उससे रिलेटेड काम को बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे पूरा आपको समझा देता हूँ। यदि आपके सिस्टम में विंडोज 10, 11, XP कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इस सॉफ्टवेयर का बिल्कुल फ्री में मतलब बोल सकते हैं कि मजे ले सकते हो। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर की एप्लीकेशन पे, पूरा आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि इस इमेज को मुझे कन्वर्ट करना है अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स के अंदर, तो यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करके मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ विद इन 1 सेकंड के अंदर। और यहाँ पर यदि मुझको इस डॉक्यूमेंट वाली फाइल को PDF में कन्वर्ट करना है तो सिंपली राइट क्लिक करके मैं इसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसको इमेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक वीडियो को कंप्रेस करना है तो सिंपली राइट क्लिक करके मैं वीडियो को अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कंप्रेस कर सकता हूँ। तो ये कितना एफिशिएंटली तरीके से वर्क करता है पूरा आपको एक लाइव डेमो देके दिखाता हूँ। ये सारे फीचर्स हमको फ्री में कैसे मिलेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वेबसाइट की लिंक दी हुई है, आपको सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है। इसका नाम है फाइल कन्वर्टर। यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जो कि बिल्कुल फ्री है और आपको 1 सेकंड के अंदर इसका आउटपुट रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फाइल सारी कन्वर्ट करके आपको बता दिए कि क्या क्या कन्वर्ट कर सकता है। अब एक डेमो देके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पे एक फाइल है जिसका फाइल साइज जो है वीडियो फाइल है और इसका फाइल साइज जो है 674 MB का है और मैं चाहता हूँ यार इसको कंप्रेस करना, इतना बड़ा नहीं भेजना चाहता या फिर इतना जो फाइल का साइज है वो कंज्यूम कर रहा है मेरी मेमोरी को, मेरे कंप्यूटर की मेमोरी को। तो यहाँ पर मेरे को सिंपली राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके फाइल कन्वर्टर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर मुझको काफ़ी सारे फाइल फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएंगे। अब सिंपली मुझको यहाँ पर यदि मैं चाहता हूँ इसको लो क्वालिटी में करना, इसमें क्या होगा कि क्वालिटी आपकी लो नहीं होगी बट जो आपका फाइल साइज होगा बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये फाइल कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई और आप देख सकते हैं कितनी फास्टली थी ये कन्वर्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं पॉपअप को और यहाँ पे मैंने इसको मिनिमाइज किया और आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है अभी मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वीडियो की क्वालिटी है बिल्कुल लो नहीं हुई है और इसका जो फाइल साइज कितना हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 54 MB की ये फाइल कंप्रेस हो गई है, मतलब जो मेरी टोटल ऑन अराउंड 674 MB की फाइल थी वो कन्वर्ट होके 54 MB की कन्वर्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि जो मेरे फाइल का जो टाइप है, जो साइज है वो यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है और फाइल का साइज जो है 54 MB का हो गया है। मतलब जो मेरी वीडियो 674 MB की थी ओरिजिनल वीडियो वो कन्वर्ट होके 54 MB के अराउंड हो गई है। अब इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि क्या इसकी वीडियो क्वालिटी में कोई डिफरेंस है। तो ये मैं ओरिजिनल आपको प्ले करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिनल आप देख सकते हैं कि ये 674 MB के अराउंड है, 674 MB की, और जो यहाँ पर जो मेरी कंप्रेस हो क्या ये 54 MB की, उसका फाइल जो है उसमें कितनी क्वालिटी डाउन होती है तो आप देख सकते हैं क्वालिटी बिल्कुल डाउन नहीं हुई है, मतलब यहाँ पर सिर्फ कंप्रेस हुई है मेरी वीडियो फाइल। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा डेमो देके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक PDF फाइल है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो ऑन अराउंड 7 पेजेस हैं, ठीक है। अब यदि मैं इस PDF फाइल को कन्वर्ट करना चाहता हूँ अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इन सभी इस PDF फाइल को अलग अलग पेजेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने सिंगल क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेजेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, मतलब जो टोटल PDF के 7 पेजेस थे वो अलग अलग PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब PNG में वो यहाँ पर मुझको दिखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है और ये कन्वर्ट होके आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये सारी जो PDF फाइल थी वो PDF फाइल इमेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई और ये ऑलमोस्ट कन्वर्ट होने वाली है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से, कितनी फास्ट तरीके से इसको कन्वर्ट करा और ये कन्वर्ट हो चुकी है। मेरी जो 7 पेज की जो PDF थी वो अलग अलग पेजेस में यहाँ पर आ चुकी है, इमेज पेजेस में आ चुकी है, ठीक है। मतलब PNG के इमेज पेज में यहाँ पर वो डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ PNG में कन्वर्ट हुई है, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सिंपली यदि मैं चाहता हूँ कि भाई मुझको ये PDF, ये जो वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल है इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब ऑफलाइन तरीके से फ्री में PDF में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिससे मुझको कोई भी डेटा को शेयर नहीं करना पड़ेगा, किसी भी वेबसाइट पे अपलोड नहीं करना पड़ेगा। मेरा जो
सिक्योर डेटा है, मेरा जो पर्सनल डेटा है वो यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। सो गाइस, अब मैं आपको सेकंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इससे भी ज्यादा बेनिफिशियल है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कोई भी फाइल को इनक्रिप्ट करके किसी भी पर्सन को एंड टू एंड भेज सकते हो। जी हाँ गाइस, क्योंकि जब हम कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं, किसी भी पर्सनल डॉक्यूमेंट को सेंड करें या फिर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को सेंड करें, हमको जीमेल की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट की हेल्प लेनी पड़ती है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं और उसकी हेल्प से हम सामने वाली पार्टी को या कोई भी थर्ड पर्सन को भेजते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो इंटरनेट के थ्रू उस पर्टिकुलर सर्वर पे अपलोड हो जाती है। हो सकता है कि आपका डेटा लीक हो जाए, ठीक है। इन सभी चीजों को एक सिक्योरिटी पर्पस से मैं आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, इसमें आप जो भी डेटा शेयर करोगे वो पहले इनक्रिप्ट करोगे, मतलब उसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे कि आप ही उस पर्टिकुलर फाइल को देख सकते हो या फिर जिस पर्सन को आप उस फाइल को भेज रहे हो वो उस पासवर्ड, मतलब वो फाइल को ओपन करते टाइम पे पर्टिकुलर पासवर्ड डालेगा एंड देन वो फाइल कन्वर्ट होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट होगी और डिक्रिप्ट होने के बाद वो फाइल को ओपन कर पाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई भी पीडीएफ फाइल को भेजते हैं या फिर कोई एक्सेल फाइल को भेजते हैं तो हम उसमें पासवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। ये तो हो गई पासवर्ड वाली बात, बट हम कभी भी हमने नहीं सोचा कि हम जब कोई भी इमेज फाइल को भेजते हैं तो उसके अंदर पासवर्ड लगा दें, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पॉसिबल अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है, बट यहाँ पर जो फ्री सॉफ्टवेयर बताऊंगा इसमें आप अनलिमिटेड तरीके से इमेज फाइल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, इमेज फाइल को भी आप एंड टू एंड भेज सकते हो। मतलब आप खुद जो भी पासवर्ड लगाओगे, जब तक आप सामने वाले पर्सन को उस पासवर्ड के बारे में नहीं बता दोगे, जब तक वो आपकी फाइल को ओपन करके नहीं दे सकता। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इनक्रिप्टो के नाम से, आप यहाँ पे विंडो के लिए और मैक के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं फिर फोल्डर की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा मेरे पास फाइल्स हैं और इन सभी फाइल्स को, ये जो इमेज फाइल्स हैं, इस इमेज फाइल को मैं चाहता हूँ कि इनक्रिप्ट करके भेजना, क्योंकि फाइल के अंदर कभी भी पासवर्ड नहीं लगता इमेज फाइल के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल इमेज फाइल का ही दिखाऊंगा। तो मैंने इमेज फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करी, आपको सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट करनी है, एक इमेज हो या पर आपके पास ज़्यादा इमेज हो, इस तरीके से सेलेक्ट करनी है। सिंपली राइट क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा राइट क्लिक के टाइम पे इनक्रिप्ट विद इनक्रिप्टो, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना। इतना बेहतरीन यूआई है इसका, आपको देखो खुद सोचिए आप इसको किस तरीके से ये कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है फाइल को, मतलब कन्वर्ट करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे पासवर्ड दे देना है। यदि आप पासवर्ड भूल गए तो फिर ये फाइल जो होगी आपकी डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगी, आप इमेजेस जो भी आप डेटा भेज रहे हो उसको रीड नहीं कर पाओगे। तो पासवर्ड आपको याद जरूर रखना है, किसी को शेयर करते टाइम में भी आपको पासवर्ड को याद जरूर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ अपना, ठीक है, और इसको इनक्रिप्ट करता हूँ। और आप देखिएगा ये किस तरीके से इनक्रिप्ट कर रहा हूँ, और इसने इसको इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैंने इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर वही सेम मैं पाथ डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेस्ट वाले फोल्डर को सेलेक्ट किया, टेस्ट टू, और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करते ही आप देखिएगा गाइस, ये जो फाइल है मेरी इस तरीके से फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। और आप जब नॉर्मली इस फाइल फॉर्मेट को किसी को भेजोगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि इसके अंदर कौन सा डेटा है, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, रार होता है, ये होता है, वो होता है, बट आप पर्टिकुलर इमेज को ही कन्वर्ट करना है आपको, तो इसके थ्रू भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। बेस्ट सॉफ्टवेयर है इनक्रिप्ट करने के बाद बताया। तो अब इसको मैं डिक्रिप्ट करके देखता हूँ। तो डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही यहाँ पर ये बोलेगा कि भाई पहले आप पासवर्ड डालो, उसके बाद ही मैं ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाला, पासवर्ड भूल मत जाना नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको डिक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट करने के बाद देखिएगा किस तरीके से इसने इसको डिक्रिप्ट कर दिया और एक फोल्डर यहाँ पर आ गया है। इसको यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं पर्टिकुलर इसको सेव करता हूँ इस वाले फोल्डर के अंदर और ये यहाँ पर सेव हो गया है। अब देखिएगा गाइस, ये यहाँ पर आ गया इनक्रिप्टेड आर्काइव, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो चारों की चारों जो मेरी यहाँ पर इमेजेस हैं वो यहाँ पर मुझको यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पर दिख चुकी है। तो गाइज ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है गाइज, मतलब आपके सिस्टम में दोनों सॉफ्टवेयर होने चाहिए जिससे कि आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो ऑनलाइन वो यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से विद इन ए सेकेंड आप परफॉर्म कर सकते हो। आपको डिफरेंट डिफरेंट फाइल साइज कन्वर्ट करने होते हैं, डेली बेसिस पे कन्वर्ट करने होते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर का
की हेल्प से आप मतलब जो भी टास्क होते हैं बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो इस सॉफ्टवेयर को आप एक बार ट्राई जरूर करना। और गाइस यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके से टिप्स ट्रिक्स और ये रिव्यू वीडियोस होती है मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।